पोहरी विधानसभा में बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने शनिवार को एक दर्जन से अधिक ग्रामों में जनसंपर्क किया। इसके बाद बैराट में रोड शो, पोहरी में नुक्कड़ सभा एवं चर्च में आम सभा ली गई। बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा बोले, आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, आज बहन जी मायावती जी ने अपना प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बार पोहरी विधानसभा का प्रत्याशी बीएसपी का प्रत्याशी जीत कर भोपाल भेजना है, और आप ये सोचिए कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि ना हाथी रुका ना रुकेगा ना बैठेगा, हाथी चलता ही जाएगा। वहीं मुख्य रूप से पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया है। 1,00,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, व्यापम जैसे घोटाले कर दिए गए, पटवारी भर्ती घोटाला भी कर दिया गया। वह अंत में बीएसपी के प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि आगामी 17 नवंबर को बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा को मतदान करें। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज सबके बीच में हूं, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, बीएसपी को पौड़ी में कोई रोक नहीं पाएगा। आपसे बोलेंगे हाथी बैठ गया, हाथी बैठ गया। अगर हाथी बैठ जाएगा तब भी तुम दब जाओगे। गलतफहमी निकाल दो, हाथी बैठने वाला नहीं है, आप पूरे प्रदेश के अंदर हाथी दौड़ने वाला है। और नहीं नहीं, हाथी मुरैना से भी दौड़ चुका है, भिंड से भी दौड़ चुका है, और शिवपुरी से भी दौड़ चुका है, और निवाली छतरपुर तीकम सत्ता ने और रीवा और आपका स्टाफ का सिंगरौली बालाघाट हर जगह से हाथी आप भोपाल की तरफ दौड़ चुका। और जो लोग कब्जा जमाए बैठे थे प्रदेश के अंदर, उनका कब्जा छूटने वाला है। और गुंडों मवालियों को जंगल राज यहाँ बना रखा है, और गुंडों मवालियों को उनको सही जगह पहुंचाने वाले भी हम लोग। आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, बहन जी ने जो मुझ पर प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो मैं आप सब लोगों के प्रेम और बहन जी के आशीर्वाद के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली बार हमें पोहरी विधानसभा का प्रत्याशी बीएसपी का प्रत्याशी जीत के भोपाल भेजना है। ये हमें बहन जी की जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है उसको हमें साबित करना है। आज हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय उपस्थित हैं, लंबा कार्यक्रम है, अभी हमें बाहर भी निकलना है, इसलिए मैं आप सब लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये बोलना चाहूँगा कि आप ये सोचिए और समझिए कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और आप